हेलो एंड वेलकम टू द क्लास एम पी पी सी एस जे के टू थाउजेंड नाइनटीन के एक पहली शिफ्ट के पेपर को हम अभी सॉल्व करने लगे हैं तो आप लोग मेरे साथ फटाफट रिवीजन मोड पे आ जाइए और फटाफट देखिए कि क्या क्वेश्चन हैं और कैसे उनके आंसर्स हैं फ़टाफट बस हमें रिवीजन करना है देखना है हमें कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं और एक तरीके से हमारा ये एक्चुअल में क्या है रिविज़न ही है तो फटाफट से बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए शुरू करती हूँ मैं पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द पावर ऑफ प्रेजिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स इट एंड टू सस्पेंड रेमिट और कॉम्यूट सेंटेंसिस इन सर्टेन केसेस कुछ केसेस के अंदर आर्टिकल कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो पार्डन दे सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं रेम्यूट कर सकते हैं कॉम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को यह हम पहले भी कर चुके हैं इसका आ, उत्तर है आर्टिकल सेवेंटी टू आर्टिकल सेवेंटी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर देता है प्रेजिडेंट को कि वो पार्डन दे सकते हैं और से कुछ कुछ केसेस में सर्टेन केसेस में सेंटेंसेस को सस्पेंड करने की रेमिट करने, करने की और कम्यूट करने की पावर भी देता है आर्टिकल सेवेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो अगर कभी इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्ट में कोई डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट कौन इसको जो है डिस्प्यूट को डिसाइड करता है कौन सॉल्व करता है तो उत्तर है सुप्रीम कोर्ट सोल्व करती है जब भी रिगार्डिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो कौन सोल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर आता है बाई विच अमेंडमेंट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर इन इंसर्टिड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है कि कौन से कौन जो अमेंडमेंट में आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से आए थे नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के एक्ट और ये इज इफेक्ट फ्राम थर्ट थर्ड जनवरी नाइनटीन सेवनटी सेवन से फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से इंसर्टेड ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू द प्रेजिडेंट हैज़ पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द राइट सिक्योर्ड बाय अच्छा ये जब मैंने फंडामेंटल आपको ये राइट्स के बारे में बताते हुए जब मैंने आपको बताया था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तो उसकी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे इसको लर्न करना है तो आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू कौन सी इमरजेंसी की बात करता है आप मुझे उत्तर जरूर दीजिएगा कि कौन सी इमरजेंसी की बात आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू करता है और कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू

दोनों हाउसेस की जॉइंट सेटिंग में जो है उस डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाएगा फिर आता है अमंग बिलो विच केस इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कौन सा केस नहीं है इनमें से शंकरी प्रसाद देव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान भी है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब भी है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का केस नहीं है आप मुझे बताइएगा कौन सा केस है ये बहुत फेमस केस है और इस केस के बाद जो जिस आर्टिकल का ये केस है उस आर्टिकल की पूरी दिशा ही बदल चुकी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा आर्टिकल है वो नहीं पता है तो उसे पूछिएगा मैं आपको बताऊँगी ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेंउंसिलूट द कोरम एट इट्स मीटिंग तो जब भी जी एस टी की काउंसिल का कोई मीटिंग होगी तो उस वक्त कोरम की बात हो रही है मीटिंग के कोरम की तो कितने मेंबर होंगे इसमें सही उत्तर होगा हाफ मेंबर होने जरूरी है हाफ मेंबर ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिसक्फन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर इफ नॉट लेस डैश ऑफ द मेंजिस्लेचिव पार्टी तो कह रहे हैं के के केस में डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिसक्वालिफिकेशन तब नहीं होगा अगर मर्जर जो है वो कम से कम इतने मेंबर्स के जो है सहमति से हुई हो कंसर्न पार्टी की तो उसका सही उत्तर है टू थर्ड टू थर्ड अगर पार्टी की कंसर्न से मर्जर हुआ है तो डिफेक्शन के ग्राउंड पे जो होगा मर्जर जो होगा वो ये डिस्कालिफिकेशन नहीं होगा द स्टेटमेंट वट कैन नॉट भी डन डायरेक्टली कैन नॉट भी डन इन डायरेक्टली रिलेट्स टू द डॉक्टर आइन ऑफ तो कौन से डॉक्टर आइन से रिलेटेड है कि जो हम डायरेक्टली uh, नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्टली नहीं कर सकते इसका बहुत ही सह सटीक उत्तर है कलरेबल कलरेबल लेजिस्लेशन तो याद रखिएगा वॉट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली डॉक्टर आइन है डॉक्टर आइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीधा साधा आंसर है बारह स्केड्यूल्स हैं The Supreme Court of India has laid down a law relating to alternative dispute resolution process and section 89 of CPC. We have section uh, 89 of CPC is Alternative alternate dis, uh, dissolution of. डिस्प्यूट डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन की बात करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें कि लॉ रिलेटिंग टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस एंड सेक्शन एटी नाइन और सुप्रीम कोर्ट मतलब सी आर पी सी सॉरी सी पी सी का जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है हेल्ड किया था दिनेश कुमार वर्सेज यूसुफ अली अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सिज चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन मलेश वर्सेस न्यू इंडिया अश्योरेंस स्टैंडर्ड चार्टर बैंक वर्सेस नोबल कुमार सही उत्तर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर केस से ये जो चीज आई थी कौन सी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोलूशन और सेक्शन एटी नाइन का जो बात कर रहे हैं वो इसके थ्रू जो है वो लेड लेड किया गया था फिर आता है एन अपील अंडर ऑर्डर फोर्टी थ्री ऑफ सी पी सी शेल लाइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर तो फोर्टी थ्री में जो अपील जाएगी वो कौन से ऑर्डर में जाएगी Rule eleven of order seventh rejecting the plaint, rule nine of order twenty two refusing to set aside the abatement or dismissal of suit, rule one of order eighth not permitting the defendant to present the written statement. रूल फाइव ऑफ ऑर्डर फोर्टीन रेफ्यूजिंग टू स्ट्राइक आउट इशू एट द इंस्टेंसिस ऑफ इधर ऑफ़ द पार्टीज सही उत्तर है जो रूल फोर्टी थ्री में सी पी सी के अंदर जो अपील जाएगी वो रूल नाइन जो ऑर्डर ट्वेंटी टू का जो रूल होगा रेफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूड वहाँ पर जाएगी अपील ठीक है ए डिक्री अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिसफाइड फॉर द पीरियड ऑफ तो एक डिक्री आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो एग्जीक्यूटेड नहीं होगी अगर ये इतने पीरियड तक के लिए अनसेटिसफाइड रहती है तो कितना पीरियड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीन महीने तीन महीने तक अगर अनसेटिस्फाइड रहती है तो वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगी ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर टेन रूल टू ऑफ सी पी सी तो अंडर टू टेन रूल टू का सी पी सी का क्या कहता है कि ओरल एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट क्या है टू एल्यूसिरेट द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट यही उत्तर है ऑर्डर टेन रूल टू कहता है कि ओरल एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है एल्यूसिरेट करना मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये ठीक है

न हाँ, in तो मतलब कर रहे हैं कि वो ब्रीच ऑफ लॉ है जो कि कोर्ट इंडिया में जो लॉ फॉलो होते हैं उसका ब्रीच कर रहे हैं उसके बेस पे क्लेम जो है सस्टेन करना तो इस पर भी चैलेंज किया जा सकता है तो ऑल ऑफ दिस के ऑप्शन सही हो गए फॉरन जजमेंट सेक्शन थर्टीन द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक डिनाइल इज प्रोवाइडेड तो स्पेसिफिक डिनाइल का प्रोविजन जो होगा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये पर फिर भी आ रहा है तो हम करेंगे ये कौन से रूल में कौन से ऑर्डर में तो ऑर्डर तो एट में समझ में आ गया लेकिन कौन सा रूल है इसका इसका रूल है थ्री एंड फाइव स्पेसिफिक डिनाइल ठीक है फिर आगे चलते हैं द कोर्ट कैन इशू ए कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अंडर तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें पता है जो भी uh, जब हम बात कर रहे हैं कमीशन की तो कमीशन तो ऑर्डर सिक्स ट्वेंटी सिक्स में सी के जो है इशू होएगा लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की स्पेसिफिकली बात हुई है तो उसके लिए रूल टेन ए होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रूल टेन ए फिर आता है अंडर प्रोविजन ऑफ ऑफ एन ऑर्डर फ इंजंक्शन मे बी वेराइड और तो में थर्टी नाइन में है ये हमें पता है तो कह रहे हैं कि कौन से ऑर्डर के अंदर कौन ऑर्डर तो समझ में आ गया थर्टी नाइन तो कौन से रूल के अंदर जो है

किसके पास अधिकार है कि वो अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट जजमेंट और ऑर्डर्स के अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन बना सकता है पर्सन अग्रीव अग्रीव पर्सन को राइट right है हाँ पर्सन अग्रीव विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कोर्ट की परमिशन के साथ एनी ऑफ द पार्टीज ठीक है एनी ऑफ द पार्टीज गवर्नमेंट लीडर ठीक है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जो है ला सकता है सेक्शन वन फिफ्टी टू के अंदर एप्लीकेशन जजमेंट और ऑर्डर को अमेंड कराने के लिए तो इसका उसका एनी ऑफ द पार्टीज एनी ऑफ द पार्टी जरूरी नहीं जो गरीब पर्सन होगा वही ला सकता है दोनों ही ला सकते हैं कोई भी पार्टी ला सकती है द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए गार्जियन एड लिटिम। तो कौन से बात कर रहे हैं कि एड लिटिम की बात कर रहे हैं कि कब जो है जरूरत होगी तो कौन से काम के लिए फॉर ए माइनर प्लेटिव ओनली फॉर अ माइनर डिफेंडेंट ओनली फॉर प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट बोथ मैन ऑफ दीज यहाँ लिखा है गार्डियन एडलेटिम तो गार्ड एड एंड एडलेटिम जो होगी वो सिर्फ माइनर डिफेंडेंट की कंटेक्ट में होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गार्डियन एडलेटिप सिर्फ माइनर डिफेंडेंट के केस में होता है वेर इस सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल टू और रूल थ्री ऑफ ऑर्डर नाइन ऑफ सी पी सी के अंदर जब किसी सूट uh, को डिसमिस किया जाता है रूल टू और रूल नाइन में तो प्लेंटिव डिबार्ड होता है कि उसे वो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता ओनली रेमेडी विद द प्लेंटिंग दैटिंग असाइड ऑफ सच ऑर्डर तो उसके पास केवल रेमेडी यह बनती है कि वो सैटासाइड कर ले ऑर्डर को द ओनली रेमेडीज टू ब्रिंग फ्रेश फ्रेश श्रूट लेके आए प्लेंटिव में सब्जेक्ट टूट द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग यू फ्रेश फूड और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेटासाइड द डिसमिसल असाइड तो उसके लिए क्या सही उत्तर सही उत्तर है ये प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन फ्रेशूट ला सकता है या फिर अपलाई कर सकता है फॉर एन ऑर्डर टू सेटासाइड द डिमिसल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट द स्टेज ऑफ एविडेंस काउंसिल ऑफ प्लेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर एजेंट रिजेक्टेड एंड सूट फॉर ऑफ एविडेंस हैज़ अ रेमेडी टू फाइल कह रहे हैं कि जब एविडेंस की स्टेज पे काउंसिल ऑफ जो प्लेटिव फॉर काउंसिल उसने एक एप्लीकेशन फाइल की एजेंडमेंट के लिए जो रिजेक्ट कर दी गई और सूट को डिसमिस कर दिया क्योंकि एविडेंस नहीं थे तो प्लेटिव के पास यहाँ पे क्या रेमेडी है क्या वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है अपील फाइल कर सकता है एप्लीकेशन लेके आए अंडर ऑर्डर नाइन रूल नाइन सी पी सी या रिविजन तो सही उत्तर है वो एप्लीकेशन लाएगा अंडर ऑर्डर नाइन रूल नाइन के सी पी सी के अंडर जब भी एविडेंस के स्टेज पर काउंसिल जो है प्लेंटिव का उसने एक एप्लीकेशन फाइल की थी एजाइनमेंट के लिए जो कि रिजेक्ट कर दी जाती है और सूट को डिसमिस कर दिया जाता है कि वॉन्ट ऑफ एविडेंस एविडेंस की कमी है तो फिर वो एप्लीकेशन लाएगा अंडर ऑर्डर नाइन रूल नाइन सी पी सी के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल कोर्ट ए पर्सन फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल नाइनटी सेवन सी पी सी ऑन ग्राउंड दैट ई वॉज बोनाफाइड परचेजर ऑफ़ सूट प्रॉपर्टी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अंडर ट्वेंटी वन के अंदर रूल के अंदर वो लेके आता है कि एक कि वो बोनाफाइड परचेजर है सूट प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर ट्रायल कोर्ट के सामने तो इसका जो ऑब्जेक्शन होगा वो मेंटेनेबल है क्योंकि वो बोनाफाइड परचेजर है मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि प्रोहिबिट्स से पार्टी फ्रॉम डीलिंग विद प्रॉपर्टी विच इज ये ट्रू है क्योंकि कह रहे हैं देखो इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बिफोर ट्रायल कोर्ट पर्सन फाइड एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड बोनाफाइड परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बिफोर ए ट्रायल कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट में अभी केस चल रहा है तो पेंडेंसी के दौरान कोई टाइटल जो है प्रोहिबिट्स नहीं ला सकते कि डील कर नहीं सकते आप जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है ठीक है फिर आइए लीगल प्रोविजन फॉर रिस्टोरिंग to a party on the modification verification or reversal of a decree what has been lost to him in execution of decree or is indirect consequence of decree is तो कह रहे हैं कि जब लीगल जो एक पार्टी के लिए जब मोडिफिकेशन वेरिएशन या रिवर्सल करना है डिक्री को जो कि उसने वट हैज़ बिन लॉस टू हिम इन एग्जीक्यूशन जो कि एक व्यक्ति ने कुछ खो दिया था डिग्री के एग्जीक्यूशन में या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की वजह से डिग्री की किसी वजह से तो लीगल प्रोविजन की वो रिस्टोर करेगा तो मैरि वो जो उसने खो दिया उसको रिस्टोर करने के लिए मोडिफिकेशन वेरिएशन रिवर्सल डिग्री के लिए क्योंकि अगर एक वे व्यक्ति है देखो ए व्यक्ति ने डिग्री की वजह से कुछ जो है गलती से खो दिया मतलब उसको नहीं होना चाहिए तो लॉस हुआ उसको तो वो जो है मोडिफिकेशन वेरिएशन और रिवर्सल के लिए डिग्री के लिए क्या करेगा एप्लीकेशन लाएगा अंडर सेक्शन वन वन फोर वन वन फाइव वन वन फो वन डबल फोर या नाइन्टी सिक्स सही उत्तर है वन डबल फोर सी पी सी के अंदर वो है एप्लीकेशन लेके आएगा रिस्टोर करने के लिए ताकि मोडिफिकेशन वेरिएशन या रिवर्सल कर सके वो डिग्री का इफ़ द टेनेंसी ऑफ एन इमूबल प्रॉपर्टीज़ मंथली तो अगर मंथली टेनेंसी है ऑर्डर टू टर्मिनेट लीज तो हमें पता है हमें क्या कितने दिन का नोटिस चाहिए होता है पंद्रह दिन का एक सौ छः टी पी एक सौ छः टी पी ए और अगर साल की है तो छः महीने का फिर आई ये वेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ऑनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ऑनरशिप ऑफ अनेदर तो एक चीज़ के लिए दूसरी चीज चीज़ें चाहिए नदर थिंग और बोथ थिंग्स ये ये हमारी उस जो डेफिनेशन है ना उसी डेफिनेशन का ये पूरा का पूरा बेयर एक्ट की डेफिनेशन है तो या तो दोनों में से कोई भी चीज़ें एक चीज़ जो है आ, मनी ही है या फिर एक चीज़ मनी है तो उसके इसमें या पार्टली मनी है तो उसके इसमें क्या होगा एक्सचेंज होगा अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर सकती है ए मेयर राइट टू सू पब्लिक ऑफिस द चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट्स सक्सेडिंग तो ये सब तो नहीं हो सकते एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ विच इज़ नोट बार्ड बाय लॉ तो जो बार्ड बाय लॉ नहीं है सेक्शन सिक्स वो उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है सेक्शन सिक्स में बताया गया कौन कौन सी ट्रांसफर नहीं हो सकती है ए सेल्स इज हाउस टू बी विद ए कंडीशन दट बी कैनो ट्रांसफर इज हाउस टू एनी वन एक्सेप्ट सी तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें ट्रांसफर तो करूँ लेकिन अब जो है अब आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे तो ये सेल क्या हुई सेल क्या होगी वैलिड होगी लेकिन जो कंडीशन है वो वॉइड होगी ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जो सेल जो होगी वो वैलिड है लेकिन जो कंडीशन है कंडीशन क्या कह आप उसको रीसेल नहीं करा सकते तो वो कंडीशन जो है वो गलत है ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए थर्टी क्वेश्चन ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ रुपीज एटी थाउजेंड टू बी बट ए रिजर्व राइट विद बीज कंसेंट टू टेक बैक एट प्लेजर थर्टी थाउजेंड वट विल बी लीगल स्टेटस ऑफ ए गिफ्ट तो भैया अस्सी हज़ार का गिफ्ट दे रहा है कह रहा है कि मैं तीस हजार रुपये वापस लेता हूँ तो गिफ्ट वैलिड है वोइड है वोइडेबल है, है, है वैलिड है तो वैलिड तो इतने रुपए के लिए होगा माइनस करके बाकी जो बच गया जितने रुपए के लिए वैलिड नहीं है इसमें जितने रुपए के लिए उसने अपने पास रखा वो तो दे रहा है वो देखा रहा है ना एक जो है गिफ्ट ने बनाया अस्सी हजार रुपये के लिए रिजर्व करता है कि मैं बी की कंसेंट से उसे अपने प्लेजर से तीस हजार रुपये वापस ले लूँगा ठीक है तो इसमें से कौन सा जो है वैलिड होगा तो पचास हजार रुपये वैलिड होगा तो तीस हजार रुपये का है वो वैलिड नहीं होगा नेक्स्ट पे और सब्रोगेशन सब्रोगेशन कौन से सेक्शन से रिलेटेड है सही उत्तर है नाइनटी टू बहुत ही ईजी है सब्रोगेशन इन विच ट्रांजेक्शन नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज क्रेडिड इन में से कौन सी ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा लीज़ में लाइसेंस में मॉर्गेज में टेनेंसी में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता लाइसेंस में फिर आइए द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है हमें अच्छे से पता है जैसे ही प्रपोजल को पता चलता है वैसे ही वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट जो है कंप्लीट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर

और एक दूसरी इलीगल तो क्या होगा जो लीगल ब्रांच वाला है वो इन्फोर्स किया जाएगा जो इलीगल वाला नहीं वो कह रहे हैं कैन बी बी होल होल अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्रॉमिस प्रॉमिस कैन कैन नहीं नॉट बी इनफोर्स ओनली लीगल ब्रांच ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस कैन बी एनफोर्स तो अल्टरनेटिव प्रॉमिस में लीगल ब्रांच को इन्फोर्स कर सकते हैं इ को नहीं ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड तो फिर ये हमने पहले भी किया फ्रस्ट्रेटेड कब नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल हार्डशिप की वजह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकता सब्जेक्ट मेटर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो फ्रस्ट्रेटेड है सरकमसेंस तो डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ पार्टी तो लेकिन अगर कमर्शियल कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम हो रही है स्ट्राइक हो रही है तो ये बहाना नहीं चलेगा तो सेक्शन सिक्सटी टू हमारा किससे रिलेटेड है देखो सेक्शन सिक्सटी टू हमारा इससे रिलेटेड है नोवेशन से न्यूनेस से फिर नेक्स्ट देखिए ए अग्रीज टू सेल टू बी ए स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे ए क्या करता है बी को कहता है कि एक स्पेसिफिक कार्गो है गुड्स का जो कि रस्ते में ही है इंग्लैंड से बॉम्बे की तरफ आते हुए अभी टर्नस आउट दट बिफोर द डे ऑफ द बार्गिन द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बिन कास्टवे एंड द गुड्स लोस्ट पता चला कि वही वो गुड्स जो हैं वो खो गए हैं उनमें से कोई भी पार्टी अवेयर नहीं थी तो अग्रीमेंट क्या होगा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा ठीक है अग्रीमेंट कैसे हो जाएगा वॉइड हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रेक्ट हो गया विच ऑफ़ द दिस प्रेजिडेंट इज रिल रिलेटेड विथ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो इनमें से जो है कौन सा जो केस लो है वो डॉक्टराइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का है सत्यव्रत घोष वर्सेज मांगीराम बंगूर यही ऑप्शन ठीक है यही ये हार्डली वर्सेज बॉक्स एंडल तो डैमेज का केस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ध्यान रखना हार्डली वर्सेज बेक्सेंडाइल जो बॉक्सेंडाइल का केस है वो डैमेज का केस है कार्ल वर्सेज कार्बोलिस का स्मोक ऑफर का ये ऑफर का केस है ठीक है मोहरी बीबी वर्ष धर्मोदास का केस ये भी ऑफर से रिलेटेड है ठीक है फिर आइए नेक्स्ट आता है इफ़ ए माइनर इज सप्लाइड विदरी अगर माइनर सप्लायर से सप्लाईज उसको मिलती हैं तो कौन जो है लाइबल होगा माइनर पर्सनली लाइबल होगा लाइबल ही नहीं होगा उसकी स्टेट या उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी माइनर खुद जो है लाइबल नहीं होगा इन्हें सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन फोर्टी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डैमेजेस तो अगर इंजंक्शन की बात हो रही है तो इंजंक्शन के दौरान डैमेजेस को सेक्शन फोर्टी की बात हो रही है सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन फोर्टी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डैमेजेस कैन नॉट बी अवॉर्डेड कैन बी अवॉर्डेड इन एडिशन टू इंजंक्शन दिस इज द राइट आंसर लेकिन आगे भी देखते हैं कैन बी अवॉर्डेड इन लीव ऑफ द इंजंक्न कैन भी अवॉर्डेड एदर इन एडिशन और टू और इन सब ये वाला ऑप्शन ठीक है तो कैन बी अवॉर्डेड एदर इन एडिशन मतलब एडिशन में भी और इन सब्सटीट्यूशन फॉर द तो दोनों ही इसमें अच्छी अचीज इंक्लूड हो गई दोनों ही उत्तर सही है मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है फिर आता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट तो ये जो पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट की बात हो रही है ना अमेंडमेंट 2017 अमेंडमेंट के बाद ऐड हुई थी सेक्शन 14 ए के अंदर याद रखना क्या है 14 ए के अंदर सेक्शन अमेंडमेंट टू If a पर्सन is dispossessed फ्रॉम immovable प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही हैज़ to फाइल suit ऑफ possession. तो हमें पता है उसको कितने टाइम के अंदर अंदर डिस्पोजेशन का अपना सूट फाइल कर देना चाहिए छः महीने के अंदर अंदर ठीक है ना छः महीने के अंदर अंदर सूट फाइल होना अदरवाइज कोर्ट भी कभी को एंटरटेन नहीं करेंगे अंडर सेक्शन ट्वेंटी सी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर डिस्पोजल ऑफ ए सूट मैक्सिमम पीरियड इज प्रोवाइड सेक्शन ट्वेंटी सी के अंदर जो मैक्मम पीरियड है वो अट्ठारह महीने का दिया गया है ट्वेंटी सी में कितना टाइम दिया गया है एटीन

केसेस द कोर्ट कैनॉट ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो इनमें से कौन से केसेस में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकती वेयर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज जो जबकि रियल इंटेंशन नहीं पता चलता है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं कर सकती वेयर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू म्यूचुअल मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वेर द इंस्ट्रूमेंट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी ये वाला उत्तर जो है सही होगा यहाँ पर कोर्ट जो है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं कह सकती जहाँ फ्रॉड के थ्रू हुआ और रियल एंड टेंशन पता नहीं चल रहा हो वहाँ कह सकती है रेटिफिकेशन करो म्यूचुअल मिस्टेक है तो कह सकती है वेर द रेटीफिकेशन ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट के बी डन विदाउट प्रोजेडाइज टू राइड्स एक्वाइड बाई थर्ड पर्सन इन गुड फेथ फॉर वैल्यू तो यहाँ भी कह सकती है लेकिन जहाँ पर आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन की बात हो रही है वहाँ पर रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं कह सकती कोर्ट एनी ऑर्डर एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विच लिमिटेशन पीरियड हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड तो कितना है हमें फटाफट पता है जहाँ पर लिमिटेशन पीरियड नहीं पता उसके लिए तीन साल जो है लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन फाइव कहाँ पे किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता सूट अपील एप्लीकेशन और मैंने कल भी आपसे पूछा था बट मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया इसमें यह भी एक क्वेश्चन था कि किस पे एप्लीकेबल होता है वहाँ ये था तो यहाँ पर है किस पे एप्लीकेबल नहीं होता तो सूट पे एप्लीकेबल नहीं होता अपील एप्लीकेशन पर होता है

लिमिटेशन तो कौन सा डे को हम एक्सक्लूड करेंगे जिस जिस डे 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 पे पे जो कंप्यूट होना है जिस पे हुआ उसको एक्सक्लूड करेंगे जजमेंट हुआ अपील में उसको जो टाइम लगा कॉपी लेने में उसको ठीक है ऑल ऑफ दीज इसके अंदर आ गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इन सूट ऑफ पॉपर सूट शैल बी डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट तो हमें अच्छे से पता है कि पॉपर के केस में जब एप्लीकेशन बनाते हैं कि हमें आगे दीजिए परमिशन दीजिए कि हमें एज ए पॉपर लग सके लड़ सके तो तब से सूट जो है इंस्टीट्यूट होना माना जाता है मैन एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पॉपर इज़ अलाउड नहीं जब मेड होती है तब जब बनती है ना एप्लीकेशन तब लग, तब होता है अलाउ नहीं जब जब बनती है ना तब होता है जब लगाता है बंदा कि मुझे अलाउ करो तब होता है तब से शुरू होता है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया अंडर सेक्शन थर्टीन सबसे टू ऑफ प्रोविजनल रेंट इज नेसेसरी विद द डिस्प्यूट रेट्स टू तो कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन थर्टीन सबसे द फिक्सिंग ऑफ प्रोविजनल रेंट नेसेसरी है जब डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है एरियस ऑफ रेंट से अमाउंट ऑफ रेंट एरियाज ऑफ रेंट अमाउंट दोनों से तो उसका सही है अमाउंट ऑफ रेंट से जब रिलेटेड होगा तो फिक्सिंग ऑफ प्रोविजनल रेंट इज नेसेसरी फिर द डिस्प्यूट इज अमाउंट ऑफ रेंट से रिलेटेड तो उसको करना पड़ेगा डिस्प्यूट अमाउंट ऑफ रेंट फिक्स इन केस ऑफ ए कंपोज़ाइड टेनेंसी ऑफ रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ लैंड लॉड कैन सी इविक्शन ऑफ द टेनेंट तो जब कंपोजाइड टेनेंसी की बात हो रही है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए तो लैंड लॉड जो एविक्शन के लिए बोल सकता है टैलेंट के इविक्शन के लिए जा सकता है कैसे करके बाई प्रोवाइडिंग नीड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ कि मुझे मतलब रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए चाहिए नॉन रेजिडेंशियल के लिए चाहिए ऐसा प्रूफ करके एनी पर्पस के लिए चाहिए तो ये वाली बात आ रही है जब कंपोजिट टेनेंसी की बात है तो कोई भी पर्पस के लिए चाहिए ऐसा प्रूफ करके वो एवेक्शन के लिए सीक कर सकता है इफ टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट और पे एनी अमाउंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट तो अगर कभी टेनेंट फेल हो जाता है मतलब डिपॉजिट करने में या पे करने में कोई भी अमाउंट जैसे कि सेक्शन थर्टीन ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट कहता है तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट शेल ऑर्डर टू कोस्ट कोस्ट के लिए कहेगी डिक्री अगेंस्ट टेनेंट आएगा इनिशिएट पनिशमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफेंडेंट आएगा या कोर्ट में ऑर्डर द डिफेंस अगेंस्ट एविक्शन टू बी स्ट्रक आउट कि एविक्शन को स्ट्रक आउट करने के लिए वो ऑर्डर दे सकती है द टेनेंट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कोज ऑफ परमिटेड टू बी कॉज सब्सटेंशियल डैमेज टू द अकोमोडेशन दिस ग्राउंड फॉर एविक्शन तो भाई उसने डैमेज कराया सब्सटेंशियल तो कौन सा है इसमें सब क्लोज आई कहता है के कहता है क्लोज इसका आई के एम या एन तो इसका सही उत्तर है के में कि जब उसे सब्सटेंशियल डैमेज कराया तो वो एविक्शन के लिए उसका ग्राउंड बन सकता है सेशन ट्वेल्व बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों प्लीज़ इसको करके जाइएगा व्हाट इज रॉन्ग अबाउट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने कोई मतलब कुछ कहा है तो उसमें वो अपील की है तो उसमें कौन सी चीज़ गलत है अपील फाइल की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट जज में डिसीजन अ कोर्ट का फाइनल होगा अपील लाई करेगी हर ऑर्डर की रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से मेड अंडर दिस एक्ट ऑर्डर तो ये वाला जो है इसके अंदर कह रहे हैं रोंग है ठीक है ये वाला क्वेश्चन जो है वो आंसर बाकी सारे ठीक हैं ये गलत है अंडर सेक्शन ट्वेंटी नाइन ऑफ एम पी लैंड रेवेन्यू कोड हुयू केस फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनादर यह हम पहले भी कर चुके हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कौन जो है आ, केस को ट्रांसफर कर सकता है तो इसका सही उत्तर है रेवेन्यू बोर्ड जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं फिर आइए रिन स्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड कैन बी मेड ये हमने पहले भी करा हुआ है कि, कि लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर रिन स्टेटमेंट जो है वो बनाया जा सकता है कौन सेक्शन में टू फिफ्टी के अंदर ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम क्वेश्चन फिर आता है नेक्स्ट बाउंड्रीज ऑफ ऑल विलेजेस शैल बी फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाय परमानेंट बाउंड्री मार्क्स तो जो जितने भी, भी विलेजेस हैं उनकी सबकी बाउंड्री फिक्स्ड होगी और डिमार्केट किया जाएगा परमानेंट बाउंड्री मार्क्स से ये कौन से सेक्शन में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वन ट्वेंटी लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर ये चीज़ है वन के अंदर है ये नेक्स्ट पे चलते हैं फेलियर टू वेकेट लैंड इन फेवर ऑफ अलोटी ऑफ लैंड वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रेजेंटमेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ कह रहे हैं कि अगर लैंड को जो है खाली नहीं किया अलोटी ऑफ लैंड के फेवर में जो करना था तो एक ऑफेंस होगा जिसको कि इम्प्रिजनमेंट जा सकता है कि भाई अगर एक एक अलोटी को एक कोई लैंड मिली और वो उसको खाली नहीं किया गया तो उस केस में ये एक ऑफेंस हुआ और ये ऑफेंस पनिशेबल होगा कितने मैक्सिमम पीरियड कितने इम्प्रिजनमेंट लिए छः महीने एक साल तीन महीने तीन साल तो सही उत्तर है तीन साल तीन साल में अगर खाली नहीं तीन साल मतलब अगर खाली नहीं किया गया अलोट किया हुआ लैंड को तो पनिशमेंट कहाँ तक जा सकती है तीन साल तक फिर आता है हु विल डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिमार्केशन एंड मैंटेनेंस ऑफ बाउंड बाउंड्री लाइन्स तो जब भी डिस्प्यूट्स होगा तो उस केस में कौन उस डिस्प्यूट को जो है सेट आउट करेगा डिसाइड करेगा ये पहले भी हम बार बार कर चुके हैं इसलिए फटाफट कर लो कलेक्टर जो है डिस्प्यूट को जो डिमारकेशन और मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइन से रिलेटेड होंगे इशू को वो कलेक्टर जो है उन्हें जो है डिसाइड है, करते हैं फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फैक्ट्स विच दो नोट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे तो एक दूसरे से इशू में नहीं है लेकिन एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक ट्रांजेक्शन बनती है चाहे वो वेदर दे चाहे वो एक ही टाइम पर हुए हों हु, एक प्लेस पे हुए हों हु, या फिर अलग अलग टाइम और प्लेसेस पे हुए हों हु. तो ये रेलिवेंट है रेलिवेंट है पार्टली रेलिवेंट है नन ऑफ दीज है तो ये रेलिवेंट बन जाएंगे भले ही वो उन जो अलग अलग दिशा पे हो लेकिन वो एक ट्रांजेक्शन बनाते हैं तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे सेक्शन बता देना अगर अच्छा लगे तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है फायर इज नॉट फायर इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस इट कैन भी यूज ड्यूरिंग ट्रायल तो ये एक जो है सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं हुआ है ये ट्रायल के दौरान यूज़ किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन को कॉरोबरेट करने के लिए कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए दोनों के लिए यूज़ हो सकता है कॉरोबरेट के लिए भी और कॉन्ट्रडिक्ट के लिए भी एफ को यूज़ किया जा सकता है द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट मे बी ऑप्टेन अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव हमें पता है एक्सपर्ट एविडेंस का है सेक्शन फोर्टी फाइव में तो किससे रिलेटेड जो है हमें जो है ले सकते हैं ओपिनियन साइंस आर्ट लॉ फिंगर इम्प्रेशन हैंड राइटिंग सिग्नेचर चलो ठीक है ले सकते हैं साइंस इंक्लूडिंग मेडिकल मैटर्स आर्ट लॉ फिंगर इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग साइंस इंक्लूडिंग मेडिकल मैटर्स आर्ट लॉ फिंगर इंप्रेशन हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर्स साइंस आर्ट फॉरन लॉ फिंगर इंप्रेशन हैंड राइटिंग सिग्नेचर तो सभी चीज़ें इसके अंदर आ गए बस मेडिकल मैटर्स की बात नहीं कर रहे ठीक है तो यहाँ पर मेडिकल मैटर्स सब इसमें ही आ गए साइंस में साइंस आर्ट फॉरन लॉ फिंगर इम्प्रेशन हैंड राइटिंग सिग्नेचर सभी चीज़ें के अंदर इंक्लूड हो गई तो ऑप्शन डी आता है फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हेन द लैंग्वेज यूज इन ए डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेट एम्बिगस और डिफेक्टिव तो कभी लैंग्वेज जब क्लियर नहीं होएगी और डिफेक्टिव और फैक्ट्स विच वुड शो इट्स मीनिंग और डिफेक्ट तो एविडेंस में भी गिवन इन एविडेंस में भी गिवन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एविडेंस मे नॉट बी गिवन वैन द लैंग्वेज यूज इन डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस एम्बि और डिफेक्टिव होती है तो एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स विच वुड शो इट्स मीनिंग और डिफेक्ट एविडेंस नहीं दिए जा सकते एक्सेप्शन टू द हेयर से रूल तो कौन सेक्शन में एक्सेप्शन है हमें पता है सेवनटीन एटीन में नहीं तो एडमिशन से रिलेटेड थर्टी टू एंड थर्टी थ्री है डि आइन डिक्लेरेशन ठीक है फिर नेक्स्ट चलिए विद सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्स प्रोवाइड दट एविडेंस शेल बी वेटेड नॉट काउंटेड कि एविडेंस को हमें देखना है कि क्या वैल्यू है काउंट नहीं करना है हमें पता है कि एविडेंस के नंबर नहीं है तो ये सेक्शन हमारा वन थर्टी फोर है जहाँ पर लिखा हुआ है कि एविडेंस को कितना नंबर के होंगे वो डिसाइड नहीं किया गया है वन थर्टी फोर में बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द जज इज एम्पावर्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू अपटेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ़ द पार्टीज विदाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इ रेलिवेंट बाई विच सेक्शन ऑफ इंडियन द जजेज एम्पावर्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू अपटेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलवेंट फैक्ट कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइम किसी भी टाइम किसी भी, भी विटनेस से कुछ भी पूछने के लिए तो हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन है वन सिक्सटी फाइव वो इसके अंदर लिखा हुआ है और मैंने सभी आपको सभी सेक्शन कराए हुए हैं द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड एड क्राइम एट मुंबई ए सर्टन डी द फैक्ट देट वो चेन्नई में था तो रेलिवेंट हो जाता है कौन से सेक्शन में सेक्शन इलेवन में हम बार बार इसको पढ़ते हैं कि वो जगह पर नहीं था कहीं और था तो वो रेलिवेंट हो जाएगा वैसे तो रेलिवेंट नहीं लेकिन रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि सेम कोज ऑफ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो ये हो गया सेक्शन इलेवन

स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का केस है ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज काठीकालू रट लेना इस केस को इन नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन वन सिक्सटी फोर ऑफ सी आर पी सी सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस है सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है मे ऑन और ये तो है ही नहीं फिर ठीक है तो सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है ये अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विटनेस अंडर एग्जामिनेशन गेट द राइट टू रिफ्रेश तो मेमोरी रिफ्रेश करने का अधिकार जाता है सेक्शन वन फिफ्टी नाइन के अंदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जेडिकेटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हमें अच्छे से पता है ये चीज़ जो इलेक्शन इलेवन रेस जेडिकेटा की जो बात करता है सी का और वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा जो सेक्शन है ध्यान से सुनिएगा फोर्टी है कौन सा सेक्शन है फोर्टी है आगे देखो ए प्रोसिक्यूट बी फॉर स्टीलिंग ए काव फ्रॉम हिम बी इज कन्विक्टेड ए आफ्टर वर्स टू सी फॉर द काव विद बी हैड सोल्ड टू हिम बिफोर इज कन्विक्शन वट विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ द जजमेंट ऑफ बी कन्विक्शन बिटवीन द सूट ऑफ ए एंड सी ये क्वेश्चन हमने uh, जो है इस्ट्रेशन uh, है लेकिन ये इलिस्ट्रेशन किसी और uh, मतलब से रिलेटेड है मतलब काओ वाला नहीं है उसमें मैरिज से रिलेटेड है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है तो वो जो यहाँ पर ये सेम ही केस है कि पहले उसे प्रोसिक्यूट करता है बी को कि उसने का जो है चुरा ली है उससे बी को कन्विक्ट कर दिया जाता है बाद में कहता है बाद में सी को सू कर देता है कि उसने बी ने जो है उसको ए आफ्टरवर्ड सू करता है बी को सी को कहता है फॉर द काव जो बी ने उसे बी ने उसे बेची थी उसके कन्विक्शन से पहले तो बी का जो जज कन्विक्शन का जो जजमेंट है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी और सी ओ के सूट के बीच में तो में आएगा वो इरेलीवेंट आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड बाज रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्टर्स होता है दोनों ही केसेस में सिविल में भी और क्रिमिनल में भी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रोवाइडेड एज डाइंग डिक्लेरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन तो इसे इसमें जो कह रहे हैं कि किसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एफ आई आर जो उसने की थी हाँ स्टेटमेंट जो उसने किया था ठीक है स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब ऑल ऑफ दिस को डैंक डिक्लेरेशन के तौर पर जो है दिया जा सकता है आर्टिकल सॉरी सेक्शन थर्टी टू हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ए की सी थिंकिंग सी एस बी वो ए जो है वो सी को मार देता है सोच के कि सी जो है बी है ठीक है अब ए ने क्या ऑफेंस किया सोचा कि जो ए है जो सी जिसको मैं मार रहा हूँ उसको एक्चुअल में उसी को मारना चाहता था, था तो उसने तीन सौ दो का आई पी सी का ऑफेंस करा है उसने तो यही सोचा ना कि वही व्यक्ति और उसी इंटेंशन के साथ और उसी ही फोर्स के साथ वो गया ए पुलिस ए दे दे पुलिस पुलिस ऑफिसर ऑफिसर पर्सन इन द द द डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ ऑफ बेल ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट इज गिल्टी ये पहले भी किया है एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को डिटेन करता है लॉकअप में इसके बावजूद कि उसको बेल मिल गई है तो उसने क्या किया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है ये पहले भी किया हुआ है हमने क्वेश्चन अब जी इज कैरिड ऑफ बाय टाइगर ए फायर एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली द शूट मे बी शूट मे किल जी बट नोट इंटेंडिंग टू किल जी एंड इन गुड फेड इंटेंडिंग टेंडिंग जी इज बेनिफिट ए बुलेट गिव जी फॉर मोटल वाउंड अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कि जी जो है वो कै जी को क्या टाइगर लेके जा रहा था तो ए ने क्या किया सोच के कि मतलब मैं इसे बचाऊंगा ऐसा उससे इंटेंशन था वो टाइगर पे वार करता है मतलब बुलेट्स लगाता है अब ये हो सकता था वो बुलेट जो है उसका शूट जो है वो इधर उधर हो जाए वो जी को लग जाए लेकिन उसका जी को मारने का इरादा नहीं था गुड फेथ में जी के बेनिफिट को जी को बचाने के लिए उसने फायर किया बुलेट जाके लगी जी को तो अब क्या होगा क्या उसने कोई ऑफेंस किया तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि कमिटेड ने उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वो उसे बचाने के लिए ही उसने फायर किया था गुड फेथ में तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया अंडर इंडियन पिनल कोड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज़ बिन डिफाइंड तो फॉल्स एविडेंस ये मैंने आपको उसका केस भी है बताइए वन नाइनटी टू है वन नाइन्टी थ्री ये मुझे आप बताइएगा कौन सा इसका केस जो है सेक्शन है

एट द सेम टाइम कमिट सेट ऑफ द प्रॉपर्टी देयर इज ए क्या करता है इंस्टिगेट बी करता है बी को जाओ जी का जो है हाँ फायर लगाओ बी जो है आग लगा देता है उसी वजह उसी टाइम प्रॉपर्टी पे एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी कर लेता है वो जो है वो चोरी भी कर लेता है आग भी लगाता है चोरी भी करता है तो ए किसके लिए गिल्टी होगा तो ए जो गिल्टी होगा उसने जो जी को ये कहा कि जाके आग लगाया और बी को ये कहा कि आग लगाया उसके लिए होगा तो वो चोरी के लिए नहीं होगा से कौन सा जो है अबेटमेंट का मोड नहीं है अटेम्प्ट एडिंग इंस्टिगेश या फिर conspiracy? तो अबेटमेंट दो तो, के अंदर जो आएगा एड भी आता है इंस्टीगेशन भी आता है कॉन्स्पेरे भी आता है अटैम्प्ट नहीं आता है ठीक है फिर आता है वोरिज फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वोरिज्म इज पनिशेबल अंडर सेक्शन तो वेयरिज्म कौन से सेक्शन में पनिशमेंट दिया जा सकता है अब देखो हम मैंने आपको उसको बार बार बोलो ट्री से ट्रिक से बताया था वी सी तो इसके अंदर ऑप्शन आया सी थ्री फिफ्टी फोर सी के अंदर आएगा वोरिज्म फिर आता है ए सेंस अ मोबाइल फ़ोन टू इज फ्रेंड थ्रू हिज सर्वेंट बी तो ये क्या करता है मोबाइल फ़ोन बेचता है अपने फ्रेंड को अपने नौकर के जरिए बी के द सर्वेंट टुक द फोन एट इज हाउस एंड यूज इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बी ने कौन सा ऑफेंस करा थेफ्ट किया मिसअप्रोप्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या फिर चीटिंग क्योंकि वो उस पर विश्वास करके उसको अपना फ़ोन दे देता है तो उसने विश्वास को तोड़ा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो z the doorkeeper of y standing y's doorway a commits the house trespass by entering the house having deter z from opposing him by threatening to beat him a has committed अब कह रहे हैं z जो है वो doorkeeper है y का वो y के जो है doorway में खड़ा है z the doorkeeper of y a commits करता है house trespass उसके हाउ उसके house में घुसता ही कोशिश करता है तो z उसको रोकता है अपोज करता है threatening to beat him तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है ए ने क्या क्राइम करा है हाउस ट्रेस पास लड़किंग क्रिमिनल ड्रेस पास हाउस ट्रेस पास या हाउस ब्रेकिंग तो उसने जो किया है वो हाउस ब्रेकिंग किया है विस सेक्शन विल बी एट्रैक्टेड इफ ए पब्लिक सर्वेंट कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन इन इज कस्टडी तो अपनी कस्टडी में अगर रेप करते हैं तो तीन सौ छिहत्तर टू बी आता है ठीक है फिर आइए न ए पर्सन कमिट ए ब्रिज ऑफ ट्रस्ट फॉर इज ओन प्रॉपर्टी तो क्या अपनी प्रॉपर्टी के लिए थ्री लैख हाँ, पर एसिड अटैक विक्टिम तो थ्री लैख रुपीज देने के लिए कौन से केस में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा ये लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के के केस में द ऑफेंस ऑफ सेक्शन थ्री सिक्सटी वन आई पी सीज बेसिकली अगेंस्ट थ्री सिक्सटी वन का जो ऑफेंस है वो क्या कह रहा है किसके ऑफेंस अगेंस्ट है लॉफुल गार्डियन के अगेंस्ट है इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं है द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस अलाव द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विड्रो द प्रोसिक्यूशन द क्यू शैल बी अब कह रहे हैं कि कोर्ट जो है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस प्रोसिक्यूशन एविडेंस देखने के बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अलाउ करते हैं

वेर ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नोटिक्स सीडिंग वन हंड्रेड रुपीज़ बिल्कुल ठीक बात है अगर सौ रुपये तक का फाइन के लिए कहा गया है तो फिर वो जो है अपील नहीं होगी वे कोर्ट ऑफ सेशन पासिस ए सेंटेंस ऑफ इंप्रेजमेंट फॉर टर्म नोटिक सीडिंग थ्री थ्री मंथ तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन तीन महीने का पनिशमेंट देते हैं तो अपील नहीं होगी वेर ए हाई कोर्ट पासिस ओनली ए सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट फॉर ए टर्म नोटिस सीडिंग सिक्स मंथ तो अपील नहीं होगी तो देर शैल बी नो अपील बाई कन्विक्टेड ठीक है तो ये वाली केस ध्यान रखना सभी के सभी इसके अंदर ऑप्शन इफ द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड द ऑफेंस इज डेट द कंपाउंडिंग में पता है बार बार पढ़ रहे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है विदाउट द परमिशन तो नहीं ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंसेंट के साथ में कर सकता है ठीक है ना? कोर्ट की कंसेंट से कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ आफ्टर द एविडेंस इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट एक्यूज इज गिली इन विच ही डज नॉट द राइट टू पनिश द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रस्क्राइब फॉर दफेंस दैन अंडर वर्ड सेक्शन विद ही कैन सबमिट इज प्रोसीडिंग्स एंड फॉरवर्ड द एक्यूज टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसमें कह रहे हैं कि कन्विक्शन के बाद में अगर मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में अक्यूज गिल्टी है इन विच ही डज नॉट है जहां पर उसको अधिकार नहीं है पनिशमेंट देने का एक्यूज मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगा प्रिस्क्राइब फॉर ऑफेंस है किस सेक्शन में कह रहे हैं कि रिटर्न ओपिनियन के साथ में वो प्रोसीडिंग जो है वो सबमिट कर सकता है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक्यूज को फॉरवर्ड कर सकता है कि कह रहे हैं कन्विक्शन के बाद में मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में एक्यूज गिल्टी है जबकि उनके पास पावर नहीं है कि वो एक्यूज को पनिशमेंट दे सकें जो कि ऑफेंस के लिए है तो जो कोर्ट है वो जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे एक्यूज को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो कौन से सेक्शन ये कहता है थ्री ट्वेंटी फाइव कल या परसों इसको ऑलरेडी कर चुके हैं अंडर सी आर पी सी इन विच सेक्शन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर किड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर तो ये हाउस हैबिचल ऑफेंडर से जो तो सिक्योरिटी है वो सेक्शन वन वन टेन में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन वन सिक्सटी वन बाय द पुलिस तो उनको कैन नॉट भी यूज फॉर एनी पर्पज ड्यूरिंग द ट्रायल नहीं यूज़ कर सकते कैन ओनली भी यूज फॉर अबरेटिंग कैन ओनली भी यूज फॉर अ कॉन्ट्राडिक्टिंग तो उसको हमने परसों भी किया है

क्शन प्रोवाइड ऑफ एन ऑफेंस shall be competent defence witness हो यह हमें पता है थ्री वन फाइव के अंदर कहते हैं कि competent witness होगा व्यक्ति अपने defence में खुद इफ़ द सक्सीडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपीनियन दैट फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनी ऑफ द विटनेसिस हूज एविडेंस हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इज नेरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही मे रिसमन एनी सच विटनेस एंड आफ्टर सच फर्दर एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिनेनी एज ही मे परमिट द विटनेस शेल भी डिस्चार्ज तो कह रहे हैं कि इफ द सक्सीडिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सक्सीडिंग मतलब जैसे एक मजिस्ट्रेट गए उनके आने के बाद कोई और उनकी जगह पर आया है तो वो इस ओपिनियन में है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी विटनेस का जिसके एविडेंस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए गए थे ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए तो वो रीसमन कर सकते हैं ऐसे विटनेस को और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन के बाद वो परमिट कर सकते हैं कि विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाए तो ये प्रोविज़न किस में कहा गया है ये तीन में बताया गया है वॉट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रजनमेंट फॉर रिलीजिंग ऑन बेल अंडर सेशन फोर थर्टी सिक्स ए सी आर पी सी तो सी आर पी सी कह रहे हैं कि मिनिमम पीरियड uh, जो है कितना होना चाहिए इम्प्रजनमेंट का वन फोर्थ वन हाफ या फिर वन थर्ड तो सही उत्तर है इसका हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रेजनमेंट होना चाहिए तभी फोर थर्टी सिक्स ए में जो है उसको बेल पर रिलीज़ किया जा सकता है

और ऑफ इम्प्रजनमेंट फॉर फाइव और इन इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सडिंग तो इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो न, कितने टाइम के लिए होगा प्ली बार्गेनिंग सेवन इयर्स है ठीक है प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल टू ऑफेंस फॉर विद द पनिशमेंट फॉर डेथ और इम्प्रेजनमेंट फॉर देश ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग सेवन ईयर हैज बीन प्रोवाइडेड तो उन so, ऑफेंसेज के लिए वो दे सकते हैं मतलब कि uh, सात साल से कम की सजा नहीं होनी मतलब ज्यादा की सज़ा नहीं होनी चाहिए और

पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के अगेंस्ट कौन जो है सर्च वारंट इशू करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के जो है अगेंस्ट जो है सर्च वारंट इशू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कौन सी लिस्ट में है बताओ फटाफट फटाफट कौन लिस्ट में मैक्सिमम अमाउंट विच में भी अवॉयड एज इंट्रीम कंपेंसेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट तो चेक का कितना अमाउंट जो है दिया जा सकता है एज इन इंट्रीम ऑफ कंपेंसेशन तो दिया जा सकता है ट्वेंटी परसेंट अमाउंट ऑफ चेक वन फोर्टी थ्री ए के अंदर अंडर सेक्शन नाइंटी सेवन ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रोमेंट एक्ट वेन द पार्टी टू होम नोटिस ऑफ डिसऑनर डिस्पैच इज डेड तो जिसको नोटिस मिला है डिसऑनर का वो डिस, जो है डेड हो गई है बट द पार्टी डिस्पैचिंग द नोटिस इज़ उन्हें नहीं पता इग्नोर का तो नोटिस सफिशियंट है इनसफिशियंट है तो शैल बी गिवन टू तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो नोटिस जो होगा वो सफिशेंट होगा जब उसको नहीं पता कि भाई जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टीन ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच इज़ नॉट इन नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट तो इनमें से नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है

होल्डर इन ड्यू कोर्स इज डिफाइंड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो सेक्शन नाइन में डिफाइन किया गया है तो ये हो गया हमारे हंड्रेड एंड टेन क्वेश्चन थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग थैंक्स अलॉट कल की क्लास और बची है हमारे पेपर पूरे हो जाएंगे थैंक यू सो मच फटाफट अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए थैंक्स अलोड एंड ऑल द बेस्ट